चंडीगढ़ के कॉलेजों के बाहर लड़ाई को लेकर आए दिन कोई ना कोई वारदात सामने आ रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला चंडीगढ़ के MCM कॉलेज सेक्टर 36, जहां पर 22 तारीख की रात को, आपको बता दें कि 22 तारीख की रात को शाम को थोड़ी सी कहा सुनी को लेकर युवकों के बीच में लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपस में वो मारपीट पर उतर आए। डंडों के साथ उन्होंने लड़ाई की, जिसके बाद सूचना मिलते ही सेक्टर थाना 36 को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों पार्टियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। रोल सर, MCM कॉलेज के बाहर 22 तारीख को एक लाइव तस्वीरें देखने को मिली जहां पर दोनों पार्टी आपस में लड़ते हुए दिखे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी हां, 22 तारीख को शाम को करीब 6 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी कि MCM कॉलेज के सामने लड़कों का झगड़ा हुआ है, तो वहां पर पुलिस पार्टी पहुंची, तो लड़के पुलिस पार्टी को आता देख के भागे, लेकिन एक पार्टी है जो उसको वहाँ पर रोक लिया गया था, उनको चोट भी लगी थी, उनका मेडिकल करवाया गया, उसके बाद फैक्ट्स वेरिफिकेशन के दौरान इन्हें बुलाया गया। तो ये एक्चुअली यहाँ पर एक जीडी रूट बना रखा है इन्होंने, जैसे उस पर ये बिना वजह के यहाँ से गुजर रहे थे तो आपस में गाड़ी को ओवरटेकिंग के लेते हुए और इसमें आपस में उलझ गए ये, और इन्होंने आपस में झगड़ा किया, गाली गलौज की, और बात इतनी बढ़ गई थी कि इन्होंने हाकी वगैरह निकाल के, डंडे निकाल के आपस में मारपीट की। तो सर, ये मारपीट करने वाले स्टूडेंट से क्या? हाँ, ये स्टूडेंट हैं, तकरीबन प्लस टू के स्टूडेंट हैं, और एक दो युवक हैं जो सेक्टर 43 के रहने वाले हैं, और दो मोहाली के सेक्टर फेस 3 मोहाली के रहने वाले हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है अफरे करने में, जिन्होंने वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करके और मारपीट की, और उसके बाद इन्होंने वहाँ पे दहशत फैलाई है। सर, इसमें क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? हाँ, इनको ताकि आइंदा और झगड़ा ना करें आगे और बात ना बढ़े, इनको प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया, दोनों पार्टियों को गिरफ्तार किया गया और इनको आज SDM साहब के पास पेश किया गया। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जी, दोनों पार्टियाँ, दो उस तरफ थे, दो दूसरी तरफ थे। 36 की मार्केट में शाम के समय काफ़ी जो है भीड़ की बात की है, लड़के लड़कियाँ वहाँ पे आते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो वहाँ पे कुछ लड़कों द्वारा भी जिसको छेड़खानी की बात कहें तो की जाती है, तो इस पर भी कोई शाम के समय भी आपकी पुलिस गश्त कर रही है? शाम की क्या, सुबह से लेके शाम तक सारा दिन हमने वहाँ पे जो बीट पार्टी को मोस्टली MCM कॉलेज और कॉलेज के साथ लगती मार्केट के साथ लगाया है, ताकि वहाँ पर ये किसी भी तरह का कोई माहौल ख़राब ना कर सकें, कोई टीजिंग की घटना ना हो, अगर वहाँ पर किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक वायलेशन करता है तो गेड़ी रूट वाली बात जैसे सामने आती है तो उनको रोक के उनको चेक किया जाता है और उसके बाद उसका चालान किया जाता है जो भी उन्होंने ट्रैफिक वायलेशन किया है। अगर कोई ईवटीजिंग की, जैसे पीछे करीब 10 दिन पहले हमारे पास एक ईवटीजिंग की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें भी हमने एक्शन लिया था फौरी तौर पर, आनंदपुर साहब के 3 लड़के थे जिनको हमने गिरफ्तार किया और उनको जुडिशल में भेज रखा। सर, जो ये गिरफ्तार हुए हैं सर आज, तो उनके नाम क्या है सर? इनके नाम है करणवीर, इनके नाम है आपको बता दूं, ये 4 लड़के जो गिरफ्तार हुए हैं इसमें, इनके नाम है विक्रमजीत, हरमनजीत सिंह, सौरभ बेदी और तरनवीर सिंह, ये 4 लड़के हमने गिरफ्तार किए हैं जिनको आज अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। हाँ, ये 2 लड़के हैं जो ये मोहाली के फेज 3 के रहने वाले और 2 चंडीगढ़ सेक्टर 43 के रहने वाले। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो सुना आपने SHO जसपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, जुड़े रहे अर्थ प्रकाश TV के साथ, मैं मनीष कुमार, मुझे दे इजाजत। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।